पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मधुसूदन है। मैं 2015 में आईएएस ऑफिसर हूँ। इससे पूर्व मैं सीडीओ बनारस था, वहाँ से यहाँ पे मेरी तैनाती हुई है। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी के पद से तबादला होकर आए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष मधुसूदन नागराज हुगली ने शुक्रवार को एमडीए का चार्ज संभाल लिया। उनके चार्ज लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अभी विभाग को समझते हुए कार्य करना है और जो भी समस्याएं विभाग में आएंगी उन सभी का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष ने कहा कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान कराना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी, साथ ही सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना उनकी प्राथमिकता है। आज ही चार्ज लिया है मैंने यहाँ का प्राधिकरण का, जो पहले सिस्टम को समझना, उसके उपरांत जो भी शासन के प्राथमिकता वाले कार्य हैं उस पर जोर दिया जाएगा और उसके अतिरिक्त जो प्राधिकरण की मूल भूत एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। जैसे जो मेन प्राधिकरण आती है, दो तीन चीज़ें आती हैं जैसे कि डेवलपमेंट और एनफोर्समेंट, दोनों साथ में चलनी चाहिए, तो उस पर प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके अतिरिक्त जो भी नॉर्मली इश्यूज आते रहते हैं, शिकायतें आती रहती है या पॉजिटिव पॉइंट्स आते रहते हैं, किसी का सजेशन आते रहते हैं डेवलपमेंट के संबंध में, वो भी लिया जाएगा। उसी के क्रम में यहाँ पे मैं कार्य करने की कोशिश करूँगा। तो उसके अतिरिक्त जो भी आता रहेगा समय 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 पर उसी क्रम में उसको निस्तारण में किया जाएगा और उसके ऊपर शासन के डायरेक्शंस पे और शासन के नियमानुसार ही कार्य किया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।